मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय जोशी जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री संतोष जी, हमारे निर्वाचन अधिकारी राधामोहन सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी और आज देश भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु भगिनियों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए हर्ष का, आनंद का और गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष करकर निर्विरोध चुना। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी समग्र देश की सभी पार्टियों में इसीलिए अलग पार्टी दिखाई पड़ती है कि पार्टी ना जात पात के आधार पर चलती है, ना वंशवाद के आधार पर चलती है। लोकतंत्र में आज देश के फलक पर देखते हैं तो ढेर सारी पार्टियां अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को खो बैठी, अपने परिवारजनों को ही येन केन प्रकारेण अध्यक्ष बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, इसकी दौड़ में, इसकी होड़ में रहती है। एक केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती, कार्यकर्ता के गुण, अनुभव, समर्पण, पार्टी निष्ठा और देश के प्रति उसके लगाव को देखकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नीचे तक का संगठन तय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के गौरवशाली पद की परंपरा में नड्डा जी 11वें अध्यक्ष बनकर हम सबका आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं नड्डा जी को हृदय से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे, इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 5.5 साल तक मुझे भी इस पार्टी ने, ये महान पार्टी के अध्यक्ष से नाते सेवा करने का मौका दिया था। ढेर सारी उतार चढ़ाव करते करते करते, ढेर सारी सफलता प्राप्त करते हुए हम आज इस मकाम पर पहुंचे हैं और ये 5.5 साल में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लगभग पूरे देश में हमारा संगठनात्मक विस्तार हुआ, कई नए राज्य वहां हमने चुनावी सफलताएं प्राप्त की और मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त कर आज मोदी जी हम सब के बीच में प्रधानमंत्री बनकर खड़े हैं। और ये पूरी यात्रा में पार्टी के अध्यक्ष के नाते काम करते करते, कई कार्यकर्ताओं से काम लेते लेते मुझसे बहुत सारी चूक भी हुई होगी, गलतियां भी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को, थोड़ा मेरा स्वभाव भी ऐसा है, कठोरता से कहा भी होगा, कठोरता से काम करने के लिए थोड़ा जोर भी डाला होगा, मगर मैं इतना गर्व से कहता हूं कि मोदी जी से लेकर बूथ के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे पार्टी चलाने में हृदय से सहकार, हृदय से समर्थन और हृदय से आशीर्वाद दिया और इसी के कारण आज ये पार्टी अनेक क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ने के लिए सफल, झंडे गाड़ने में सफल हुई है। आज इस क्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
यहां बैठे हुए सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य, मेरे पुरोगामी सभी अध्यक्ष और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मैं मेरे कार्यकाल में आपके समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद करकर आपके ऋण का स्वीकार करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया, चुनावी राज्यों में भी कई ऐसे राज्य जहां हम स्वप्न भी नहीं कर सकते थे, मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां सरकारें बनाई, कार्यालय, प्रशिक्षण विभाग, प्रकल्प, लाइब्रेरी, नियमित कार्यकारिणी और प्रवास का एक वैज्ञानिक खाका, ये सब आप सबके सहयोग से हम कर पाए हैं। आज यहां पर हमारे संगठन मंत्री श्री रामलाल जी भी उपस्थित हैं। रामलाल जी लंबे समय तक, 12 साल तक पार्टी में संगठन मंत्री रहे, मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद रामलाल जी पूरे समय संगठन मंत्री रहे, उनके योगदान को भी मैं यहां पर याद करना चाहता हूं और एक्नोलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आज नड्डा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब आगे पार्टी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे छूट गए हैं जहां अभी भी हमें चुनावी सफलता प्राप्त करनी बाकी है, अभी भी हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाना बाकी छूटा है। तो मैं आज नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान भी करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ भी छूट गया है वो सर्व नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये पार्टी सिद्ध करे, इसके लिए नड्डा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश के समग्र जनता को ये अनुभव कराया है कि नीचे से काम करने वाला कार्यकर्ता, एक गरीब घर में जन्मा हुआ कार्यकर्ता अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। मित्रों, ढेर सारी नई योजनाएं और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए इतना यत्न शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। योजनाएं बनती थी, कागज पर धरी की धरी रह जाती थी। मोदी जी ने ये 60 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, घर पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की पूरी चिंता समाप्त कर देना, बिजली का बल्ब पहुंचाना और अब नए टर्म के अंदर सभी के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गौरव ले सके इस प्रकार से मोदी जी ने सरकार को चला है, चाहे सरकार की विदेश नीति हो, चाहे सरकार की रक्षा नीति हो, या चाहे सरकार इकोनॉमिक के क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हो, सब तरीके से एक परिपूर्ण लोक कल्याणकारी सरकार कैसी हो सकती है उसका मॉडल मोदी जी ने आज हमारे सामने रखा है और आज भी हम उनके नेतृत्व के अंदर ये नई सरकार के कार्यकाल को शुरू करें हैं। ढेर सारे हमारे चाहे धारा 370 हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो अयोध्या के अंदर, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, हर मामले को, हर हमारे वादे को पूर्णता की ओर मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने पहुंचाया है, इसका आज हम सबको गौरव है। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं हृदय से नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नड्डा जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सर्वव्यापी सर्वसभ्य हैं, आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सर्वव्यापी
सर्वसमावेशक पार्टी का निर्माण करिए और हर बूथ के अंदर हमारा कमल का निशान पहुंचे और हर बूथ जीत सके, इस प्रकार की पार्टी को आप आगे पहुंचाइए। यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरी प्रभु प्रार्थना है। ये बात कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच कर नड्डा जी को हम सब समर्थन का वादा करें और भारत माता का जय घोष करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे।